अस्सलामुअलैकुम। हम जी इस वक्त झील सैफुल मलूक पे मौजूद हैं, और झील सैफुल मलूक जो अपने अफसानवी कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है, और हम पहले भी बहुत दफ़ा झील सैफुल मलूक को एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन जब भी आप नारान आते हैं तो उस वक़्त आपके लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपने झील सैफुल मलूक पे आना है। तो हम एज़ यूजुअल झील सैफुल मलूक आए हुए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, और इसी तरह मेरे साथ मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हाजी अकरम साहब भी जो हैं वो झील सैफुल मलूक को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और हाजी साहब जो हैं बेसिकली ये जहाँ पे भी जाते हैं अपनी रौनकें जो हैं वो बिखेर देते हैं, और ट्रिप जो होता है उसको चार चांद लग जाते हैं। तो आपको भी हाजी साहब जैसे दोस्तों की ज़रूरत है जब भी आप ट्रिप पे जाएं, और आपको ट्रिप पे ज़रूर जाना चाहिए। और मसरूफ़ ज़िंदगी है वो सबको पता है, लेकिन अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। वक्त जो है ये गुज़र जाता है और पीछे बस यादें और बातें रह जाती हैं। तो अपनी जो यादें हैं इनको हसीन बनाने के लिए आप नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करें, नॉर्दर्न एरिया को एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ दिए हैं, और हर तरह की जो फैसिलिटीज़ और हर तरह की जो नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ पे मौजूद है। आपको झील्स भी मिलती हैं, लेक्स भी मिलेंगी आपको, माउंटेन्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन जंगल, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आएं, टाइम निकालें, इनको एक्सप्लोर करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी जो यादें हैं उन और जो मेमोरीज़ हैं वो आप जो है वो लाइफ टाइम आपके लिए होंगी, और इंशाल्लाह आप भरपूर इंजॉय करेंगे।